दो बत्तख के बच्चे। दो छोटे छोटे बत्तख के बच्चे जंगल में गुम हो जाते हैं। जंगल में चलते चलते उनके पीछे एक भेड़िया पड़ जाता है। बच्चे भेड़िये से बचने के लिए एक मुर्गी के घर में छुप जाते हैं। भेड़िया उनको ढूंढता ढूंढता मुर्गी के घर पहुंच जाता है और मुर्गी को कहता है कि तुमने कहीं बत्तख के बच्चों को देखा है। मुर्गी डरते डरते मना कर देती है और भेड़िया वहां से चला जाता है। फिर मुर्गी को बच्चे बताते हैं कि वे गुम हो गए हैं। मुर्गी को तरस आ जाता है और उनको अपने पास ही रख लेती है, पर ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल पाता क्योंकि भेड़िया बार बार वहाँ आता था उनको ढूंढने के लिए। इसलिए मुर्गी बत्तख के बच्चों को कहती है कि उनको यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ खतरा है और वे ज़्यादा दिन तक उनको बचा नहीं पाएगी। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। चलते चलते वे बहुत थक जाते हैं और एक नदी के किनारे सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है उनमें से एक बच्चा उठ जाता है और देखता है कि उनकी तरफ एक सांप आ रहा है। वे जल्दी से दूसरे बच्चे को उठाता है और वहां से निकल जाते हैं। उनका सफ़र बहुत ही कठिनाइयों भरा होता है, लेकिन एक दिन चलते चलते उनको बाकी बत्तखों की आवाज़ आती है। वे आवाज़ सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले भेड़िया आ जाता है। बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। भेड़िया बच्चों को कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब तुम बचकर कहां जाओगे। तभी वहां एक भालू आ जाता है और भालू को देखकर भेड़िया वहां से भाग जाता है। भालू फिर बच्चों से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चे उसको सब बताते हैं। फिर भालू उनको नदी तक छोड़ देता है। बच्चे फिर अपने झुंड के साथ मिल जाते हैं और खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे, और बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।